हाई गुड मॉर्निंग एवरी वन जैसा कि हमारे डॉक्टर ने बोला कि प्रेग्नेंसी में फास्ट रख सकते हैं या नहीं ये एक so you, yes, you बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है सो एज अ डायटिशियन आई वुड रिकमेंड यू येस यू कैन फास्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाना या फिर बिल्कुल भूखे रहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फास्टिंग का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ों का संकल्प लें आप ऐसी चीज़ों के बारे में प्रॉमिस करें अपने आप से जो कि आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए हो जैसे कि फ्राइड फ़ूड जैसे कि प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जंक फूड जैसे कि कैंट फूड इस तरह की चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड ऐसी चीज़ों से अगर हम थोड़े टाइम के लिए अपनी बॉडी को बचाए रखते हैं दूर रखते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे आ, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है और आप सभी लोग ये जानकर बहुत सरप्राइज होंगे किटू जो कि स्पेशली नवरात्र में या किसी भी फास्ट में बहुत अच्छे बहुत अच्छी मात्रा में खाया जाता है और बहुत सारी जगह पर खाया जाता है तो कोटू एक अपने आप एक ऐसा सीरियल है जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है और हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो दाल और चावल का मिक्सचर लेते हैं रोटी और सब्ज़ी का मिक्सचर लेते हैं या रोटी और दाल का मिक्सचर लेते हैं ताकि उसे हम एक कम्प्लीट प्रोटीन बना सकें लेकिन कूटू बाकी के सब सीरियल्स के मुकाबले में एक कोटू ही ऐसा फूड है जिसमें हमें अलग से कुछ एडिशनली करने की ज़रूरत नहीं है और उसे अगर आप लेते हैं तो आप एक कंप्लीट प्रोटीन अपनी डाइट में लेते हैं कोटू के अलावा जैसे साबुत है जैसे मखाने हैं जैसे नट्स हैं जैसे सीड्स हैं जैसे मूँगफली है जैसे, 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 जैसे कि पीनट्स हैं और जैसे कि समा के चावल है सिंगाड़ी का आटा है देर आर वेराइटी ऑफ फूड्स सो यू कैन इन्जॉय योर फास्टिंग विद डूइंग ऑल दोज प्रिपरेशन विथ सच काइंड ऑफ फूड्स अब जो भी हमने इन खाने की बात की उसको हम पूरे दिन भर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल को अट्ठारह सौ दो हजार बाईस सौ उसके कस्टमाइज तरीके से अगर हमने कुछ कैलोरीज़ या प्रोटीन सेट किए हैं अब अगर हम नॉर्मल खाना नहीं खा रहे हैं रोटी दाल सब्ज़ी रूटीन में नहीं खा रहे हैं तो अगर वो नौ दिन की फास्टिंग करते हैं तो अपनी उसी कैलोरीज उसी प्रोटीन उसी मिनरल्स उसी विटामिन और उसी फ़ैट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हमें समझना ज़रूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली ज़रूरी है अगर आप मॉर्निंग में जैसे कि मिल्क के टाइम पर आ, सुबह उठते ही आप नारियल पानी से शुरुआत कर सकते हैं उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर मिल्क चौलाई या फिर मखाना या फिर नट्स कोई सीड्स इस तरह की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फिर हम मिड मॉर्निंग की बात करते हैं जहाँ पर आप एक फ़्रूट का पोर्शन ले सकते हैं वो फ्रूट किसी भी तरह का हो सकता है कोशिश करें कि सीज़न के, के हिसाब से हम फ्रूट्स लें बट जो भी फ्रूट लें वो अच्छा प्रपोशन अच्छा पोर्शन अराउंड 200 हंड्रेड टू फिफ्टी ग्राम्स तक ले लें अगर कोई फ्रूट जूसेस लेना चाहता है तो पैक्ड फ्रूट जूसेस भी लिए जा सकते हैं और अगर आप घर में ही फ्रूट जूस निकाल के लेना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं बट ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर दी होल फ्रूट्स देन विल कम टू दी लंच तो लंच में कुछ लोग फलाहार के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में दो टाइम फलाहार करते हैं तो जो लोग दो बार खा सकते हैं वो लंच के टाइम पर जैसे कर्ड जैसे कि भुने हुए आलू जैसे स्वीट पटाटो शकरकंद की चाट या फिर साबुदाने का पापड़ या उसकी खिचड़ी काइंड ऑफ थिंग अपनी डाइट में ले सकते हैं विद गुड अमाउंट ऑफ कर्ड फिर उसके बाद शाम को अगर आप लेना चाहते हैं तो अगेन अगर आपने सुबह दूध ले लिया है तो आप इवनिंग में छाछ या लस्सी ले सकते हैं साथ में अगेन कोई फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं या फिर थोड़े से नट्स या पीनट्स भी लिए जा सकते हैं अब हम बात करते हैं अपना प्रॉपर तरीके से व्रत खोलने की तो प्रॉपर तरीके से अगर व्रत खोलना है तो उसके लिए आप कोटू जैसे समा के चावल इट इज़ रियली गुड इन प्रोटींस इट इज़ रियली गुड इन कैल्शियम इट इज़ रियली गुड इन आयरन सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़े के आटे की प्रिपरेशन, या फिर साबुत दाना या फिर आपने मखाने की कोई डेजर्ट बना ली या आपने सिमई जो व्रत के चावल होते हैं जिसे भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है तो आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं आप उसकी खीर भी बना सकते हैं साथ में आप कर प्लेन अगर पसंद करते हैं तो वो ले सकते हैं या फिर अगर आप उसमें रायता बनाना चाहें खीरे का लौकी का तो आप वो भी कर सकते हैं बाई डूइंग दिस अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए व्रत स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले आप ऐसी क्या कैसी कैलोरी डेंस कैसे प्रोटीन डेंस और कैसे एंटीऑक्सीडेंट दे, डेंस चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो आपको बीच बीच में थोड़ा एनर्जाइज भी करती रहे आपका व्रत भी बहुत अच्छे से चलता रहे और आपको न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में मिले तो अगर आप कोई पंजीरी की फॉर्म में या चिक्की की फॉर्म में या किसी भी लड्डू की फॉर्म में अगर आप खूब सारे नट्स को क्रश करके डालते हैं या फिर आप पीनट्स का कुछ प्रिपरेशन बनाते हैं आप चौलाई है विच इज़ वेरी गुड इन आयरन एंड कैल्शियम इट इज़ रियली सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस बट इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड एक प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो ऐसी प्रिपरेशन उसमें आपने क्रश करके आलमंड्स डाला आपने वॉलट्स डाले तो ऐसी चीज़ों के जरिए आप पहले से अपने व्रत की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बाकी की चीज़ों के लिए अगर कोटू का मतलब केवल कोटू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ही नहीं आप कोटू को डोसे की फार्म में बना सकते हैं आप कोटू की खिचड़ी बना सकते हैं आप कोटू से चीला बना सकते हैं और कोटू की रोटी भी बनाई जा सकती है बजाय बहुत सारा आलू जो अगर कोई आ, बहुत ज़्यादा ओबीस फीमेल्स हैं अगर वो आलू का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती हैं या डिसलाइकिंग है तो वो उसकी जगह पर लौकी या गाजर को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और हम साबुदाने को खिचड़ी के तौर पर भी खीर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम मखाने को एक नमकीन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेजर्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसका रायता भी बनाया जा सकता है आप आटे में सिंघाड़े के आटे में भी बहुत सारे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप एंटी को अगर अपनी डाइट में बहुत अच्छे से लेना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई भी होती है तो अगर आप एंटी लेना चाहते हैं तो कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खूब अच्छे से लीजिए और आप मिंट की चटनी उसको बहुत ज़्यादा एक्जॉटिक बना दीजिए जैसे आपने डोसा लिया है गुटू का तो आपने उसके साथ मूँगफली नारियल और सेंधा नमक और धनिया या पुदीना इस तरह की चटनी की प्रिपरेशन अगर लेते हैं और यही चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा अपने खाने में इंक्लूड कर लेते हैं इन नौ दिन में तो आई होप यू वुड बी हैविंग अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव एंड ग्रेट चटनी थैंक यू सो मच